हेलो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो है खाना जो है वो बाहर का खा रहे होते हैं और उसमें जो है हम जो बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करते हैं और आपके पास जो है उसी के फूड रिव्यूज लेके आ रहे होते हैं। लेकिन आज भी हमें बाहर जाना था, लेकिन रास्ते में जो है अम्मी की छुट्टी जो है हमें नज़र आ गई और फिर हमने हमसे रहा नहीं गया और हमने जो है पकौड़े बनाए हैं और हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखें, अब ये जो है इनको जो पकोड़ा जो है उसको जो है ये रोटी बना देती हैं, हालांकि इसको ज़रा सा डिप करना होता है सिर्फ और खा लेना होता है, लेकिन इन्होंने चटनी जो है वो ऑलरेडी आधी खत्म कर चुकी है। चटनी जो बनाई है मेरी सास ने, बहुत प्यारी सास ने लहसुन की और लाल मिर्च भी बनाई है एंड इट्स हेवन ऑन माउथ, टू गुड। हम लोग बाहर जा रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन फिर हमें किचन में ये नज़र आ गई तो तहा ने बोला नहीं, आज बाहर का खाना नहीं खाना है, पकौड़े बना दें अम्मी बस। और हम टूट पड़े हैं चटनी पे। अभी जितनी लड़ाई हुई है ना, अगर हम आपको वो दिखा देते। अब आप तो नहीं बातें हुए नहीं, ये मेरी बातों के चक्कर में सारा खा लेंगे। फिर ये पकौड़ा बना, पकौड़े को रोटी बना के और ये सालन समझ के खाना शुरू हो गई है। मसला ये है ना, अगर ये खाएंगी तो ये सालन खत्म हो जाएगा, जो इनके हिसाब से सालन है, हालांकि चटनी है वही भी आई। तो आप हमें देखें खाते हुए, जब तक के लिए हम खाते हैं। के नाज़रीन, ये तो मखलूकें पागलों की तरह पकौड़े खा रही हैं और यहाँ रेस लगी हुई है कि सामने वाला बंदा जो है उससे ज़्यादा पकौड़े ना खा ले। तो बस लगे रहें खाते रहें। Hey guys, तो हमने पकौड़े ख़त्म कर दिए और चटनी बची हुई है। इन्होंने मुझे चटनी नहीं खाने दी, चटनी इतनी देर से लगाने दे रहे थे ये कि चटनी ख़त्म हो जाएगी, चटनी ख़त्म हो जाएगी, इसी चक्कर में चटनी बच गई, पकौड़े ख़त्म। थोड़ी सी चटनी बची है, थोड़ा सेहत को भी तो देखना पड़ता है ना। तो मैं खा लूं। खैर, तो इसी नोट पे एंड करते हैं, पकोड़े खाए आज और अब हम बाहर जाएंगे। नहीं, बल्कि अभी हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप लोगों को जरूर देखनी है एंड पूरी देखनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो जो है मिलते हैं एक नई वीडियो से साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।